दिल्ली हाई कोर्ट ने लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 20 विधायकों को दोबारा सुनवाई का मौका दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जजमेंट आई, ओपिनियन आई इलेक्शन कमीशन की, उसमें थोड़ा टाइम गैप था और उसके बीच में इनको सुनना चाहिए था, तो इस वजह से कोर्ट अभी कह रही है कि दोबारा सुन के अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में सत्य की जीत हुई। हमें उम्मीद थी कि अदालत सारे तथ्यों को, सारे मेरिट्स को देखेगा और उसके बाद निश्चित रूप से फैसला होगा। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और मोदी सरकार की तानाशाही की हार हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इस केस में आगे की कार्रवाई पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। जैसे ही हमको प्रमाणित प्रतिलिपि इसकी मिलती है, उसका अध्ययन करके जो भी निर्देश उसमें डायरेक्शंस होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को आम आदमी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।